नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आपको एक डायमेंशन में ही काम करना है, या एक्स में करो या वाई में करो या जेड में करो। अभी सीधी सी बात ये है भाई, देखिए आपके पास एक पाइप है, खाली पाइप, उसके अंदर दो बॉल चलानी है आपको भी ऐसे, ठीक है, विद वेलोसिटी सम वेलोसिटीज भी। अब स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ जाएगा, पाइप में रहेगा भाई, तो क्या आगे आगे जा सकता है? आपने फर्श पे बॉल को स्ट्राइक करवाया और सदा इस तरह भाग जाए ऐसे, वो क्या होगा, टू डायमेंशन होगा भाई, वन डायमेंशन नहीं होगा। तो मेरे को करवाना वन डायमेंशन, मतलब कोलिजन के बाद ही बॉडी कैसे चलेगी, स्ट्रेट ही चलेगी। ये पाइप वाला केस कर लेते हैं कि दो बॉडी हैं पाइप में चल रही हैं, स्ट्राइक करेगी पाइप में ही रहेंगी भाई आफ्टर कोलिजन भी, और कहाँ जाएंगी, आगे जा सकती हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो फर्श पे बॉल आई, स्ट्राइक किया, ऐसे बिखर गई बॉल भाई दोनों तरफ, वो क्या है, वो टू डायमेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक वही बनने वाला, वो भी करेंगे, कर लोगे, पहले किसका करते हैं हम लोग, वन डायमेंशन का करते हैं, ठीक है। तो वही केस करते हैं, लिख लीजिए, वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2, ऑफ मास M1 एंड M2 moving with velocity u1 and u2 moving with velocity u1 and u2 in the same direction। ये है भाई जो मैंने डायग्राम पहले बना था ना, वही डायग्राम, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, चल रही है भाई, ये मास M1 ले लेते हैं, मास M2, ये जा रही है विद वेलोसिटी U1, ये जा रही है विद वेलोसिटी U2, इन द सेम डायरेक्शन, लाइन सेम रखेंगे, यस आर नो, कि वन डायमेंशन का केस कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे भाई? तो कोलिजन करवाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, कम से कम U1 बड़ा हो U2 से भी, तभी कोलिजन कर पाएंगे, यस आर नो। यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो चुका है भाई, ये ऑन द कोलिजन है, और ये केस क्या होगा नेक्स्ट वाला, ये आफ्टर कोलिजन होगा भाई, यस आर नो। बॉडी वही है, मास M1, मास M2, वेलोसिटी क्या हो चुकी है अब इसकी, V1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कितना हो चुका है, V2 भी, ठीक है। लेट V1, V2 आर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, V1, V2 आर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होंगी, V1, V2 भी, सही है, कर लोगे? तो अभी आपको सारी चीज़ें निकालनी है जो पहले आपको पता है, अभी कौन सा कोलिजन कर रहे हैं हम लोग, इलास्टिक, तो जितनी बिफोर वाली हैं सारी आफ्टर वाली के बराबर होनी चाहिए, यस आर नो। तो कैसे निकालोगे, पहले चेक करते हैं, लिख लीजिए, मास M1 M2 M1 था, U1 चल रही थी, U2 से कोलिजन कराने की कंडीशन क्या थी, हमारे U1 बड़ा होना चाहिए, तो आगे जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, मास M1 मास M2 और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं भाई, अब तक कोलिजन की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, V1 और ये क्या था, तो हम एक लेके चलते हैं, पहले चलते हैं मोमेंटम भी, फिर चलेंगे एनर्जी को लेकर चलेंगे। तो लीनियर मोमेंटम चेक करना, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो सकता है, चलो आज नीचे आ जाते हैं, लिखो टोटल
टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले आपको मोमेंटम चेक करना है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यस सर नो। पहली कोटे कितना होगा? मास m1 वेलोसिटी u1। दूसरी कोटे का m2 u2। यस सर नो। ये हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब लिखिए टोटल मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना होगा? आफ्टर कोलिजन की बात करें तो वेलोसिटी क्या है भाई? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। सही है। हमने बोला था आपको कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम ऐसा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम अपने क्या रहेगा? सेम रहना चाहिए। यस सर नो। तो क्या लिखोगे? मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। सही लिखा है, मोमेंटम बिफोर और आफ्टर की वैल्यू क्या रहेगी? बराबर रहेगी। यस सर नो। यस सर। तो कितना बिफोर भाई? एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। एनी प्रॉब्लम क्लास? इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख देते हैं, टोटल भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी? बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। पहली बॉडी की हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, दूसरी बॉडी की हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी बिफोर कोलिजन भी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। समझ में आ रहा है? और लिखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी कितना होगा? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। याद रखिए मेरा यू में है ना, यू और वी में फर्क है, आप की मर्जी बना सकते हो, पर दिखना भी चाहिए कि वो से यू वी इकट्ठा होंगे। हमें भी कर लोगे? मेरा भी मुड़ा हुआ मैं सभी, आप मर्जी अब जैसे बनाते हो कुछ वैसे भी कर लोगे। बनाना ऐसे है कि फर्क दिखे भी, यू ये वाला यू है, ये वाला वी है, कर लोगे? अब वही, अभी इसमें भी क्या होता है? एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। फिर सकते हैं टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। जो एनर्जी बिफोर की वो एनर्जी किसकी है? आफ्टर की भी है। तो देखो बिफोर की कितनी है? 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square is equal to 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square. Any problem? Yes or no? Yes. सही है? Before after की value क्या होगी? बराबर रहेगी। सही है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ से 1 by 2 को मना सकता है? Yes. यहाँ से 1 by 2 को मना सकता है? Yes. कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ? Yes. तो 1 by 2 कट दो? Yes. तो कितना आंसर होगा? M1 U1 square plus M2 U2 square is equal to क्या होगा? M1 V1 square plus M2 V2 square। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ऐसा करते हैं हम इकट्ठे कर लेते हैं, एक तरफ वन वाले एक तरफ टू वाले। सही है, एक तरफ वन वाले एक तरफ टू वाले इकट्ठा कैसे करोगे? एक तरफ टू वाले ले जाओ, तो किसके पास है? यहाँ पे एम टू यू एम टू यू टू स्क्वायर, उस तरफ टू किसके पास है? यहाँ पे माइनस लिख दू एम टू वी टू स्क्वायर। सही लिखा है इज इक्वल टू
यहाँ पे m1 किसके पास है, m1 v1 square माइनस यहाँ से ले जाए तो m1 u1 square। एनी प्रॉब्लम भाई? यहाँ से m2 कॉमन है, m2 कॉमन निकालो कितना आएगा, u2 square माइनस v2 square, और यहाँ से m1 कॉमन निकालो m1 v1 square माइनस u1 square, इक्वेशन नंबर सेकंड। एनी प्रॉब्लम भाई? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एनी प्रॉब्लम भाई? सेम काम यहाँ पे करो, एक तरफ टू वाले एक तरफ वन वाले, ठीक है, एक तरफ टू वाले ले जाए एक तरफ वन वाले। इस तरफ टू कौन सा भाई, m2 u2, उस तरफ टू किसके पास है, माइनस m2 v2 इज इक्वल टू यहाँ पे m1 v1, तो इस तरफ आएगा तो माइनस m1 u1। कैसे लिखा है चेक करो, यहाँ से m2 कॉमन आ सकता है, कितना आएगा u2 माइनस v2 इज इक्वल टू m1 कॉमन आ सकता है v1 माइनस u1। इक्वेशन नंबर थ्री कर दे, सही लिखा है? ये काम आप फर्स्ट में कर सकते, ट्रैक वहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं इसको, जब कर लोगे कर लोगे। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर टू को थ्री से डिवाइड कर दो, लिखिए डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू बाई वन, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, टू को वन से सॉरी थ्री से भी इक्वेशन डिवाइडिंग टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू कौन सी देखिएगा, तो डिवाइड करना आता है, लेफ्ट डिवाइड लेफ्ट के साथ, राइट का डिवाइड राइट के साथ करना आता होगा, तो करो यहाँ पे भी। कैसे लिखोगे इसको, एम टू यू टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई, क्या लिखूं, एम टू यू टू माइनस वी टू, सही है, इज इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर डिवाइड बाई M1 V1 minus U1। Any problem भाई? सही लिखा है? कुछ कट रहा है? M2 से M2 कट गया? M1 से M1 कट गया? सारा कट गया? देख ले। M2 से M2 कट दें? M1 से M1 कट दें? कितना बचेगा? U2 square minus V2 square divided by U2 minus v2 is equal to v1 square minus u1 square divided by v1 minus u1। यस सर, यहां तक किसी को डाउट अभी? सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब ये किसका फार्मूला बन सकता है अभी? आपने फॉर्मूला सुना होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, भाई सुना होगा? कैसे लिखे, u2 माइनस v2 इनटू u2 प्लस v2, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, डिवाइड बाई यू टू माइनस वी टू हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे सभी सेम ऐसा ही करो, कितना आएगा वी वन माइनस यू वन डिवाइड बाई सॉरी इंटू वी वन प्लस यू वन डिवाइड बाई वी वन माइनस यू वन, कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, यस सर नो, इससे ये कटा, क्या बचा हुआ यहाँ पे u2 प्लस v2, सही है, इज इक्वल टू वहां पे क्या बचा v1 प्लस u1,
समझ में आया? यस सर। नो और क्या करते हैं, यू वाला को इकट्ठा कर लेते हैं, वी वाला को इकट्ठा कर लेते हैं। यस सर। नो यहाँ पे वी किसके पास है? वी टू के पास है। तो वी टू वहां से लिया है तो माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू। इक्वेशन नंबर फोर। कुछ मिल रहा है आइडिया यहाँ से? देखिए ये रन करते भाई। देखो मैंने बोला था कि ट्राई करवाने से पहले आपका यू वन बड़ा होना चाहिए यू टू से। यस सर। मैं बोला था मतलब जो ट्राई करने के बाद उसका वी टू ज्यादा हो जाएगा। हमने सिर्फ बोला था, ये प्रूफ किया। देखो वी टू माइनस वी वन किया गया, बड़े में छोटा माइनस किया गया, यहाँ पे बड़े में छोटा माइनस किया गया, यू वन बड़ा है और यहाँ पे कौन सा बड़ा है? अगर ये इक्वेशन को मैं इसको यहाँ पे लिया हूँ नीचे तो कैसे लिखूं इसको? v2 minus v1 divided by u1 minus u2 is equal to one लिखो। ऐसा करो इस पूरी इक्वेशन को u1 minus u2 से डिवाइड कर दो। ये वन हो गया। ये किसका था? ये किस क्या पता आपको? ये e है भाई, coefficient of restitution। चेक करो अगर आपसे पूछा जाएगा सात में पांच नंबर में पूछा जाएगा, पांच में निकालो, पांच में एक चीज और पूछी जाएगी कि आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। आपको वैल्यू निकालो, v1 का वैल्यू कितना, v2 का वैल्यू कितना। चलोगे? अब हम निकालते हैं क्लास। देखिए हम निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a आफ्टर कोलिजन। a कौन था? दो बॉडी थी a और b। आपको बॉडी a का निकालना, पहले बॉडी का वेलोसिटी ऑफ बॉडी a और डायग्राम में नहीं बना रखे ना, तो हम लिख दो a और b बॉडी का। डायग्राम लिखा तो a और b। तो पहली बॉडी ए है, दूसरी बॉडी कौन सी है? बी है। तो पहले ए का निकाल देंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। हम इक्वेशन थ्री को यूज करेंगे। उसके आगे करना टॉपिक मेरे को। इक्वेशन थ्री क्या थी? प्लस वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, सॉरी फोर। इक्वेशन फोर ये थी। यहाँ पे मैंने एंड किया था टॉपिक को। अब इससे शुरू करते हैं। इस टॉपिक से क्या आप वी टू निकाल सकते हो? What is the value of V2? क्या लिखोगे? इसे तो ऐसे V1 plus U1 minus U2। एक और इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। V1 plus U1 पहले थे minus U2। कर लोगे भाई? अगर आप इक्वेशन के अंदर आपको तो क्या निकालना, आपको V1 निकालना है। अगर इक्वेशन से V2 खत्म कर दो तो V1 बच गया ना, तो मेरे पास वैल्यू आ गई वी टू की इस टर्म में, यू वी वन की टर्म में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्या तो एक बार इसको लिख दिया, आगे लिखिए। इक्वेशन बनी थी मेरी चार एकदम थे ना। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देख लीजिए। पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट ये थी एम वन वी वन प्लस M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2। चेक करो, उल्टा कर दो। M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2। नहीं प्रॉब्लम भाई, यही किया ना फर्स्ट इक्वेशन में। देख लो, यस सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2, V2 वैल्यू कर दो। कौन सी V2 की वैल्यू? ये वाली पुट करें तो कितना आएगा? M1 V1 plus M2, what is the value of v2? v1 plus u1 minus u2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। any problem class? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या हो गया देखिए, m1 v1 गुणा कर ले अंदर में इसकी, m2 v1 plus m2 u1 माइनस एम टू यू टू, सही लिखा है, इज इक्वल टू
एम वन वी वन प्लस सॉरी वी वन नहीं है यू वन प्लस एम टू यू टू, क्या मैंने सही किया? ये गुणा की है इसकी एम टू किस एम टू वी वन प्लस एम टू यू वन सही है माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू सही लिखा है। यहाँ से देखिए इसमें से इसमें से v1 कॉमन है, v1 ही तो चाहिए मेरे को, निकाल लो कॉमन कितना आएगा, v1 कॉमन निकाल लिया क्या बचा m1 प्लस m2, मेरे को v1 ही चाहिए, बात उत्तर में जाओ सर जी उत्तर ले जाएं, v1 ही चाहिए मेरे को तो इज इक्वल टू कैसे लिखोगे m1 u1 वहां पे है पहले से प्लस m2 u2, क्या लेके जाना है बाकी को, ये बच गया ये बच गया, ये प्लस का उत्तर माइनस का हुई क्या लिखोगे माइनस एम टू यू वन सही लिखा है प्लस एम टू यू टू एनी प्रॉब्लम भाई अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, समझ में आई बातें? अब देखो ये बड़ा हो गया भाई। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं भाई, U1 है U2 वाले भी हैं, U1 और U2 वाले भी हैं, इकट्ठा कर ले U1 बोलो कोई U2 बोलो यस सर। यहां से देखिए M1 U1 है, यहां से M2 U1 है, क्या कॉमन आ रहा है इनमें से U1 कॉमन है, या फिर एक बार इसको V1 into क्या आएगा M1 plus M2 is equal इन दोनों में क्या कॉमन है U1 कॉमन है, क्या बचना है M1 minus M2, M1 minus A, M2, सही है? देख लो एक बार, ओके, ये M2 U2 है, और ये भी M2 U2 है, डबल हो गया, यस और नो, क्या लिखोगे प्लस 2 M2 U2, कैसे लिखा मैंने? अरे चेक कर लो एक बार, गलती हो गया मिले नहीं दोबारा करो मैं तुझसे तो मैं कर रहा हूँ भरोसा नहीं है उसे कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ आंसर मैच वगैरह ठीक है भाई मैं गलत आती थी जीवा दोबारा करूँगा सही और तारीख गलती रहोगी मेरे पलक मारने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सही लिखा है तक यस सर अब मेरे को वी वन सही है वी वन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ की मतलब जाएगा डिवाइड में तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन क्या लिखोगे M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U1 सही लिखा है plus 2 M2 U2 divided by M1 plus M2 any problem class this is the velocity of body A tropic का भी class this is tropic का point है velocity B after collision ये तुम्हारी चौक ऐसे हैं velocity of b after collision ab mere ko jaldi se ek ish paanch se bolo suno ge iska a ka v a kitna tha sorry v1 kitna tha u1 yahan pe m1 m1 tha ke m2 tha m1 minus m2 yes sir by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 by m1 plus m2 yes or no अब v2 कहां पे था भाई इक्वेशन नंबर 4 में v2 भी है और v1 भी है वहां से मैं निकालना शुरू किया था चीज को तो पुट कर दो भाई लिखो हो गया यस सर कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं फोर्थ थी क्या थर्ड थी लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 4 हुई इक्वेशन 4 क्या थी v2 माइनस से v1 v1 माइनस v v2 minus v1 is equal to u1 minus v2 क्या उस टॉपिक से आप v2 नहीं कर सकते यस v2 किसके बराबर आएगा v1 plus v1 निकालो लोगों ने कितना था u1 minus u2 plus v1 यही था ना यस सर ना इससे टॉपिक शुरू किया था हम लोगों ने यस सर यही था हमने v1 को निकाल लिया भाई putting the value of v1 वीडियो आ जाएगा तो कितना आएगा v2 is equal to u1 minus u2 v1 कितना भाई
m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 plus लिखो ना 2m2 u2 divided by m1 plus m2 सही लिख रहा है यस और नो यस सर अभी देखिएगा यहाँ ऐड कर लिया yes. ये u1 है यहाँ भी u1 है भाई कॉमन आ सकता है yes, sir. u1 ये u2 है यहाँ भी u2 है कॉमन आ सकता है निकालो u1 u2 को कॉमन पहले इसमें से निकालते हैं v2 इज इक्वल इसमें से u1 कॉमन निकालो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 प्लस m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 क्या सही लिखा इसमें से u1 कॉमन निकाल लिया u1 बचा प्लस m2 minus m1 plus divided by m1 plus m2 into पूरे का u1 यस और नो बता दो yes, ये वाले में से और ये वाले में से क्या कॉमन है u2 निकालने पर क्या बचेगा भाई मैं प्लस ले लेता हूँ पहले मुझे निकाल लो प्लस लिया तो 2m2 तो कितना होता है 2m2 m1 plus m2 yes or no फिर इस मुझे निकाल लो माइनस 1 into u2 क्या सही लिखा ये आंसर आएगा कलर देख लो ये वाले ये वाले ये इसमें पुट कर दिया v1 का वैल्यू है ये रहा था यहां u1 minus u2 plus this value ये और इनमें से क्या किया u1 अलग से निकाल लिया u2 अलग से निकाल लिया समझ में आया सॉल्व कर सकते हो क्या इसको एलसीएम लेके भी कितना एलसीएम होगा m1 plus m2 रब कर दे इसका एलसीएम कितना होगा v2 is equal to एलसीएम हुआ m1 plus m2 यहाँ पे कितना बचा भी m1 plus m2 सॉल्व करना होता है कि नहीं आता प्लस यहाँ पे ये बचा हुआ है m1 minus m2 into u1 यही होगा कि नहीं होगा yes, sir. वहाँ पे मिले हुआ एलसीएम प्लस एलसीएम कितना आया m1 plus m2 यहाँ पे 2m2 वहां पे माइनस m1 माइनस m2 कर सकता हूँ माइनस अंदर ले जाऊंगा माइनस 12 भाई इनटू m1 प्लस m2 आएगा तो m1 माइनस का और m2 भी किसका माइनस इनटू कुछ कट रहा है अभी यहाँ पे m2 से m2 कट गया यस सर हाँ जी यस सर नो yes, m1 प्लस m1 2m1 हो गया तो v2 का वैल्यू कितना हो ये हो गया 2m1 into u1 बार गुना में भी है divided by m1 plus m2 सही है yes sir no यहाँ पे वही क्लास 2m2 plus का है और m2 minus का है क्या बचा एक m2 बचा है plus का कि minus का plus का m2 एक minus m1 divided by m1 plus m2 into u This is the velocity of the B after collision.